हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय क्लास में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको YCEMU यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कितने मार्क मिलते हैं और फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है और कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी डाउट्स है सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड इसलिए आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको बाकी के वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको गलती बताने वाला हूँ कि वो गलतियाँ अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो कौन सी गलती नहीं करना है और क्या करना है सारा इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चले वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन MCQ टाइप है, ये तो सभी को पता चल चुका है। फ्रेंड्स MCQ टाइप 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे और इसमें से आपको 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, यानी आपको 50 के 50 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन में रहते हैं ना, 5 में से 4 ही सॉल्व करना है, उस प्रकार से 30 क्वेश्चन है, यानी 30 ही सॉल्व करने हैं 50 में से, यानी 30 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 20 क्वेश्चन के नहीं दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप आंसर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर 30 क्वेश्चन के आंसर दोगे, 30 के आंसर 60 यानी एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको राइट आंसर आने के ऊपर आपको 2 मार्क मिलेंगे, यानी आप अगर 30 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको 60 मार्क मिलेंगे और उसी 60 मार्क को कन्वर्ट करके 80 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स 80 मार्क वो होंगे और आप होम असाइनमेंट में जो भी मार्क है होम असाइनमेंट प्रैक्टिकल के उसके 20 मार्क, यानी 80 और 20 मिलके 100 मार्क का आपका पेपर होने वाला है। तो इस प्रकार से एक पेपर पैटर्न है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप अगर 50 में से 50 भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें से एक रॉन्ग या 2 रॉन्ग आ जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी के मार्क मिलने वाले हैं और ओनली 30 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे लेने वाले, बाकी के 20 तो भी ऑप्शनल में है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक पेपर का छोटा सा पैटर्न है और फ्रेंड्स आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट रहता है ना, तो उसमें जो भी टाइम है आपका 8 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, तो उसमें से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो जब आपका मन चाहे तब। फ्रेंड्स जितना जल्दी लॉगिन करोगे उतना बेस्ट है क्योंकि अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद में फिर से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझिए, आप अगर एग्ज़ाम 8 बजे आपका स्टार्ट हो चुका है और आपने लॉगिन किया 8 बजे और 8 बजे लॉगिन करने के बाद 10 मिनट यूज़ करो और कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, आपका कॉल आया, आपका नेटवर्क चले गया, कुछ भी हो चुका है, आप एग्ज़ाम से बाहर चले गए और फ्रेंड उसके बाद में आप आधा या 1 घंटा या 2 घंटे के बाद भी आ जाओगे और फिर से लॉगिन करोगे तो फ्रेंड्स आपका 10 ही मिनट यूज़ होगा। जो भी आप टाइम उसमें 1-2 घंटे का वेस्ट करोगे उसका टाइम वहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि आपका नेटवर्क की वजह से वो आपका एग्ज़ाम बंद हो चुका था। तो फिर से आप लॉगिन करोगे तो 10 मिनट यूज़ होने के बाद आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका सिस्टम है, इसलिए फ्रेंड्स आप जल्द से जल्द लॉगिन करना है आपका एग्ज़ाम और फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व करना है। और क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, इजी क्वेश्चन ही रहते हैं, आप अगर थोड़ा भी स्टडी करके रहोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे सोच के आपको जो भी आंसर आपको लगता है MCQ 4 में से एक राइट है उसके ऊपर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। आप फ्रेंड फाइनल सबमिशन जब तक नहीं करना है जब तक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है क्या नहीं, सभी चेकआउट करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। एक बार अगर आप फाइनल सबमिशन करोगे तो फिर से आपको वो पेपर दे नहीं सकते, फिर से ओपन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप अगर 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फाइनल सबमिट कर दोगे तो इसका पूरा जो भी घाटा है वो आपको ही घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि आपको पूरा पेपर डबल नहीं आने वाला है। अगर उसका अगर फेल आएगा तो आपको ATKT फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना है। और फ्रेंड्स आप 30 सॉल्व करोगे तो 30 के 60 और 30 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको 30 क्वेश्चन के आंसर के 60 मार्क मिलेंगे, 60 मार्क का आंसर में कन्वर्ट होके आपको जो 20 है प्रैक्टिकल के वो 2 मिला के 100 मार्क का पेपर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप किस प्रकार से एग्ज़ाम लॉगिन कर सकते हो, फ्रेंड्स एग्ज़ाम लॉगिन करने के लिए आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, क्रोम ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स, जो आपको बेटर लगे जो आपको बेस्ट लगे वो ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ही यूज़ करें, ज़्यादातर स्टूडेंट क्रोम ही यूज़ करते हैं और ये बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप एक आपके पास सभी के पास नॉर्मली क्रोम होता है, तो क्रोम में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्च करना है YCEMU एग्ज़ाम ऑनलाइन लॉगिन।
इस प्रकार से YCMOU एग्ज़ाम लॉगिन यहाँ पे नज़र आ जाए, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना है क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में अपना नंबर इंटर करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, उसके बाद में सेलेक्ट टेस्ट इंटर करना है, उसके बाद में लॉग इन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो PRN नंबर है, PRN नंबर तो सभी स्टूडेंट को पता चल चुका है। अगर आपके पास PRN नंबर नहीं है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से PRN नंबर निकाल सकते हो क्या नहीं। किसी के स्टूडेंट को PRN नंबर मैसेज के थ्रू आता है तो मैसेज डिलीट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, इस वजह से फ्रेंड्स वो वीडियो देख लीजिए, आपको PRN नंबर का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे PRN नंबर यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ में गलती क्या करते हैं कभी कभी स्टूडेंट, तो यहाँ पे DDMMYY डेट मंथ ईयर इस प्रकार से आपको टाइप करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1998 अगर इस प्रकार से, तो 26/11 और लास्ट के 98 इसी प्रकार से एंटर करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो 20 फरवरी 2005 रहा तो वहाँ पे 20 फरवरी का 02 करने का है और 2005 का 05 यानी लास्ट के लेना है, स्टार्टिंग के नहीं लेना है। अगर 1995 रहा तो 90 का लेना नहीं, 95 का लेना है, 85 रहा तो 85 लेना है। लास्ट के जो भी ईयर्स में रहते हैं वही एंटर करना है, स्टार्टिंग में जो डेट मंथ वो बराबर एंटर करना है। इस प्रकार से करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट टेस्ट ले लेना है, उसके बाद में फैकल्टी ले लेना है, जो फैकल्टी में आप स्टडी करते हो, जो आपका प्रोग्राम है वो ले लेना है, और यहाँ पे एग्जाम डेट आ जाएगा। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे सर्च कर दोगे आपका जो भी एग्जाम है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डेमो एग्जाम ही जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले है, 1 अगस्त से आपका डेमो एग्जाम स्टार्ट होने वाले है और BA BCOM वाले का 2 अगस्त से, तो एक एक से अपलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स डेमो एग्जाम देना कंपलसरी है, आप अगर एक बार डेमो एग्जाम दोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है क्या नहीं, सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझ जाएगा। आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो YCMOU का तो डेमो एग्जाम कंपलसरी देना है आपको, 30 मिनट का डेमो एग्जाम रहता है। एक बार आप अगर 30 मिनट खत्म करोगे तो डेमो फिर से चालू नहीं होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप एक बार लॉगिन कर लीजिए पूरा, डेमो एग्जाम पे क्लिक कर लेना है और आपका फेस मैच होता है या नहीं होता है सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो डेमो एग्जाम देना कंपलसरी है, इस प्रकार से सभी क्लिक कर देना है। उसके बाद में डेमो एग्जाम के क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको फोटो नज़र आएगा साइड में, और आपका जो एडमिशन करते समय फोटो दिया था वो नज़र आएगा साइड में, कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा उसको अलाउ कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप अगर एक मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फ्रंट कैमरा अच्छा रहना चाहिए, और आप कंप्यूटर से दे रहे हो तो आपको वहाँ पे वेबकैम होना चाहिए, जो कि लैपटॉप को रहता है, कंप्यूटर को कभी कभी नहीं रहता जो सिस्टम है आपका, तो उसको आपको बिठा लेना चाहिए। और मोबाइल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल को सभी मोबाइल को सेल्फी कैमरा रहता है, वहाँ से आपको एग्ज़ाम दे सकते हो कैमरा अलाउ करके सभी। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से दिखाई देता है वो सभी यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स सब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना आपको इस प्रकार से ओपन हो जाएगा फेस रिकॉग्नाइजेशन। इस प्रकार से आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो एडमिशन का दिए एडमिशन टाइम आपने फोटो दिया था फोटो नज़र आएगा, यहाँ पे आपका जो कैमरे में आपका फ़ोटो नज़र आएगा, तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई कर लेना है। और फ्रेंड्स आपका जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो स्टार्ट रहेगा और वहाँ पे सभी दिखाई देगा, तो अपना जो फ़ोटो है सभी वेरीफाई कर लीजिए। और फोटो अगर मैच नहीं हो रहा होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आपके जो भी फ़ोटोज़ है वो मैच कर लेना है, और आपका फ़ोटो मैच होने के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो फोटो मैच होना कंपलसरी है, अगर फोटो मैच नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्लिक करके अपना फ़ोटो मैच कर लीजिए, उसके बाद फ्रेंड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे अपना जो भी फ़ोटो मैच हो जाएगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना टाइमिंग ऊपर रहा पे आपको टाइमिंग नज़र आएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे ABCD सभी ऑप्शन आएंगे, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे टाइमिंग नज़र आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, जो यूज़र है आपका नाम यहाँ पे नज़र आएगा नीचे, और उसका जो भी कोड है सब्जेक्ट का वो आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ABCD, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ ये क्वेश्चन आपको आ चुका है इसका आंसर, और इसके ऊपर A के ऊपर क्लिक कर दिया आपने, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको
इस प्रकार से नेक्स्ट कर लेना है और उसको क्लिक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट टेस्ट नज़र आ रहा है, ये आपको लास्ट में करना है सभी क्वेश्चन होने के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दोगे आपको सारे क्वेश्चन ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करते करते जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसका आंसर मुझे आता है या नहीं आता है, इसको मैं बाद में देखना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुक मार्क, उस क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हो। तो इजी तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है कुछ नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बुकमार्क और नेविगेशन बार नज़र आएगा, क्लियरेंस सबमिट। अगर कौन सा भी क्वेश्चन आपको लगा सी, लास्ट में अगर देख के लगा आपको यार इसका आंसर तो सी नहीं बी है, तो फ्रेंड्स आप सी के ऊपर यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्लियर करके बी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर लीजिए तो वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो क्वेश्चन है वो आने के बाद, और जो बुक मार्क के क्वेश्चन है वो भी लास्ट में देख सकते हो, प्रीवियस, नेक्स्ट, बैक, सभी यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, बैक, प्रीवियस, सभी इसी तरीके से देखिए कि क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन ने आपने सॉल्व किया है, किस क्वेश्चन को नहीं किया है, इसी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स सब होने के बाद आप लास्ट में क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और वहाँ पे सभी क्वेश्चन का लिस्ट आ जाएगा और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन से क्वेश्चन को आपने देखा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन का नहीं दिया है, वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। और साइड में यहाँ पे आपका टाइमिंग चलते रहता है। तो फ्रेंड ये मैनुअल जो कि आपके एग्ज़ाम के है उसका मैनुअल बार है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो ये भी डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो भी डिटेल है मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो इस प्रकार से करने के बाद साइड में बुक मार्क अगर क्वेश्चन करके रोकोगे तो इस बुक मार्क का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो एग्ज़ाम वो क्वेश्चन देख सकते हो। और इसी तरीके से इस प्रकार सारे क्वेश्चन आने के बाद फाइनल सबमिशन यहाँ पे जो साइड में नज़र आ रहा है रेड रेड कलर में सबमिट टेस्ट, तो उसको सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे नज़र आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस टेस्ट, यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस टेस्ट अगेन। अगर इस क्वेश्चन को एक बार फाइनल सबमिट करोगे तो इसको आप फिर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको क्लिक करना है। ये फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका एग्ज़ाम 100% कम्प्लीट हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर दो या 50 क्वेश्चन का आंसर दो, वो डिपेंड नहीं करता है, फाइनल सबमिशन एक बार करने के बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार कन्फर्म कर लेना है कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन जैसे कर दोगे वहाँ पे थैंक यू फॉर इस प्रकार से लिख के आ जाएगा और आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 60 मिनट का जो पेपर होता है तो आप पेपर 60 मिनट से पहले भी सॉल्व कर सकते हो, आपको सभी के आंसर आ रहे हैं और 60 मिनट होने के बाद भी आप सबमिट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 60 मिनट होते ही आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप एग्ज़ाम है आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, सब इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा भी आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ने का है आपको, और इसी तरीके से एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको हेल्पफुल वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कि किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा मार्क किस प्रकार से ले सकते हो, कम टाइम में स्टडी कैसे कर सकते हो, सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।